बहुत ही खास विषय के बारे में बात होगी, नौकरी के बारे में। नौकरी में भी उन लोगों के बारे में जो बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, बेनतहा कोशिश कर चुके हैं, हर तरफ जहां उनको लगता है कि भाई यहाँ अपॉर्चुनिटी है, नौकरी मिल सकती है, वहां वहां आपने अपना सीवी भी डाल दिया है, इंटरव्यू कॉल भी आपको आ चुकी है और आप क्यू में भी रहे, आपने इंटरव्यू को फेस भी किया, साक्षात्कार फेस करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो क्या वजह होती है कि आप बिल्कुल नौकरी आपके हाथ में आते आते आपको नहीं मिल पाती, या फिर नौकरी तो आप कर रहे हैं पर आपके ऑफिस में बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी हर स्थिति में आपकी समस्या का समाधान है आज के शो में, विस्तार से जानकारी आचार्य जी से, क्या कुछ बताएंगे? बिल्कुल ठीक कहा कंचन जी, बहुत जगह ऐसा होता है हमारे मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ, छोटे जो बालक होते हैं जो व्यस्त हो जाते हैं और उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। मित्रों, आपके जन्मांक के अंदर ऐसे क्या कारण हो जाते हैं कि आपको साक्षात्कार करने के पश्चात भी, उसमें आप सफल भी हो गए और उसके बाद भी आपको जो है जॉब की प्राप्ति नहीं हो पाती? तो आज हम आपको ऐसे कुछ ग्रहीय कारण बताएंगे, कुछ ऐसे कर्म बताएंगे जो आपके हाथ से हो गए थे, जिसके कारणवश ग्रहों के युति होने के पश्चात भी आपको जो है वो जॉब की प्राप्ति नहीं हो पाती। भरसक प्रयास करते हैं अपने प्रमोशन के लिए लेकिन प्रमोशन नहीं मिल पाता। कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके आसपास जो आपके प्रमोशन के अंदर कहीं ना कहीं टांग अड़ा देते हैं। तो ऐसा आज एक हम महा उपाय भी लेकर आए हैं, आपके सारे प्रयास उससे सफल भी होंगे, आपको नौकरी की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपको बता दें माताओं बहनों के लिए सेहत में मुख की कुछ दुर्गंध का आज हम एक सटीक उपाय लेकर आए हैं और साथ ही साथ आपका राशिफल रहेगा, किस तरीके का कलर आपको प्रयोग करना है, कितने प्रतिशत का भाग्य आपके भाग्य में आज चार चांद लगाएगा, अल्पविराम के बाद आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। राशिफल जो आपको बताया जाता है वो हमेशा एक दिन पहले बताया जाता है, यानी कि कल के दिन आने वाले जो आने वाला दिन जो है आपका वो कैसा रहेगा वो आज आप जान जाएंगे राशि के अनुसार अपने राशि में। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे दिव्य स्तुति के बारे में, एक ऐसी स्तुति आज फिर हम आपको सुनवाएंगे जो आपको सुकून देगी, आपके जीवन से तनाव को दूर करेगी। आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़िए और ध्यान से सुनिए सिर्फ दिव्य स्तुति। मित्रों, नित्य की भांति आज की दिव्य स्तुति भी बहुत खास है, जिसके श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से आपके कष्ट कलेश दूर होंगे और आपके परिवार के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तीव्र गति से होने लगेगा। ध्यान करिएगा श्री हरि का। ओम शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये। इस प्रकार जब आप इस स्तुति का श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं या इस स्तुति को लिख कर रख लेते हैं कहीं भी, तो आपको सफलता अवश्य मिलने लगती है और आपके कष्ट कलेश बिल्कुल दूर होने लगते हैं। मित्रों, आज का सीक्रेट नंबर भी बहुत खास रहेगा, क्या लिखने की विधि रहेगी अल्पविराम के आदत वो भी बताएंगे, क्योंकि आप हमसे बिल्कुल जुड़े रहिएगा और नौकरी से रिलेटेड यदि आपको कोई परेशानी हो रही थी तो उसके लिए बहुत सटीक रहेगा आज का महा उपाय। और आपकी कोई समस्या है या फिर नौकरी से ही जुड़ी कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, नंबर हमारे लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पर उससे पहले हम बात करेंगे, तेजस जुड़े हैं, देखते हैं इनकी क्या समस्या है। आचार्य जी, तेजस जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हाँ मैम, तेजस बाबूर बोल रहा हूँ सातारा से। सातारा महाराष्ट्र से, राहुल, राहुल नाम बताया आपने। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सातारा डिस्ट्रिक्ट से तेजस बाबूर, तेजस बात कर रहे हैं जी। हाँ तो बताएं। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैम। भैया जन्म की तारीख बताइए। हेलो, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1992। ठीक है, और समय क्या? जन्म का समय भी बताइए। जन्म का समय सुबह 7:45। और स्थान क्या है? स्थान करण जी। क्या सवाल है आपके? हाँ तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो उसमें जी बिल्कुल सरकारी नौकरी मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, 100% मिलेगी भैया। मेष लग्न की पत्रिका, और आपको बता दें उच्च के सूर्य लग्न के अंदर स्वराशि का शनि दशम भाव में और लग्नेश का एकादश भाव में जाना पूर्ण रूप से आपको सफलता दिलाएगा। और यहाँ पर भाग्येश पंचम में अपने ही स्थान को पंचम दृष्टि से देख रहा है, राहु की महादशा बृहस्पति की अंतरदशा, 16 फरवरी 2017 तक पूर्ण रूप से आपको बता दें सफलता का योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है। आने वाला समय आपके लिए ये शुभ रहे कि आपको जॉब की प्राप्ति हो जाए, 5:15 से 6:15 रत्ती तक का हो सके तो आप एक पुखराज धारण करिए, लाभ त्वरित दिखने लगेगा। जी हाँ,
और हमारे सोर्स ऑफ इनकम को हम सभी बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए हम एक के बाद एक नई अच्छी नौकरी की तलाश में रहते हैं। यानी कि अगर आपकी नौकरी है पर आप स्विच करने की सोच रहे हैं, कोई नई नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नौकरी आपको मिल जाए, सैलरी आपको अच्छी मिले, वहां का ऑफिस का जो माहौल हो, कलीग जो हो आपको अच्छे मिले, तो इसके लिए आपको कुछ खास उपाय अपनाने हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 8 से 9 घंटे अपने ऑफिस में दे रहे हैं, उसके बावजूद आपके बॉस को आपका जो कैलिबर है वो नजर ही नहीं आ रहा है, प्रमोशन आपको नहीं मिल पा रही है, तो क्यों ऐसा होता है आचार्य जी? सबसे पहले यही बताएं आप। जी, सभी मित्रों को हम अवगत कराएंगे आज उन ग्रहीय कारणों से, उन ग्रहों से, उन भावों से कि जिनके कारण से ये नौकरी और प्रमोशन को देखा जाता है। मित्रों, प्रमोशन ना मिलने के कारण ऐसा क्या हो जाता है? पत्रिका में शनि ग्रह और दशम भाव जो है इसी भाव से देखा जाता है। आपको बता दें, यहां दशम भाव और शनि ग्रह, आपके प्रमोशन को यदि हमें चेक करना है या वो नहीं मिल पा रहा है, उसके भी हम आपको ग्रहीय कारण बताएंगे। सर्वप्रथम आप इसे चेक करिए। दशम से शनि ग्रह की स्थिति, यानी कि दशम भाव से शनि ग्रह की स्थिति देखी जाती है, तथा सूर्य और गुरु की स्थिति को भी आपके प्रमोशन के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी प्रगति की बात के राह के लिए देखा जाता है। तो कौन से ग्रह, कौन से भाव बनने पर, युतियों पर जो है आपको ये प्रमोशन नहीं मिल पाता, कौन से ऐसे ग्रहीय कारण हो जाते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और इन सब पर भारी रहेगा उनका महा उपाय, पेपर पेन लेके बिल्कुल तैयार रहिएगा। जी हाँ, तो आज के दिन जो उपाय आपको बताए जाएंगे उनको जरूर अप्लाई करें, क्योंकि हो सकता है सोमवार को कोई आपका साक्षात्कार है और उसमें आपको सफल भी मिल जाए, बिल्कुल, और आपको आपकी मनपसंद नौकरी मिल जाए, सबसे बड़ी बात तो यही है। अलीगढ़ से अमित जुड़े हैं जी, आपका स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ जी, श्री राधे आशीर्वाद भैया। आचार्य जी, मुझे अपने बारे में पूछना है। जी बताएं, जन्म की तारीख। मेरी जन्म तारीख है 26/9/1982। ठीक है। समय? और समय सुबह के 3 बजे। और स्थान? स्थान है झांसी। क्या सवाल है आपके? मैम, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। जी मैम, मेरा मतलब कि शादी की डेट जो है कंफर्म नहीं हो पा रही है, तो आचार्य जी कुछ शुभ डेट बता दें। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बताते हैं। जो हमसे भरसक प्रयास होगा इसके लिए पूर्ण रूप से हमें पंचांग की आवश्यकता होगी, फिर भी बताने का प्रयत्न करते हैं भैया। देखिए, यहाँ पर जो पत्रिका तैयार हुई है कर्क लग्न की हुई है, और आपको बता दें जैसा कि सप्तमेश जो है जिसकी महादशा अंतरदशा हो तो उसमें विवाह का पूर्ण रूप से योग बन जाता है, तो यहाँ मंगल की महादशा और शनि की ही अंतरदशा, शनि आपकी पत्रिका में सप्तमेश है और राहु यानी कि 11 जनवरी 2017 तक, तो यहाँ आपको बता दें कि योग नहीं बन पा रहा, लेकिन 11 जनवरी के बाद आप एक डेट निकलवा लीजिएगा, पूर्ण रूप से वो सफल भी रहेंगे और उसमें ये शादी होना बिल्कुल आपका निश्चित है। जी हाँ, और अब हम आपको बताएंगे राहु काल के बारे में। राहु काल को लेकर कहा जाता है कि एक ऐसा काल होता है जो पूरे 24 घंटे में जरूर आता है, जब आपको किसी भी अच्छे नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर कोई भी आप काम करेंगे तो हानि ही आपको उठानी पड़ सकती है। राहु काल जो है कल के दिन का क्या है, आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल मित्रों, जैसा कि कंचन जी ने कहा कि राहु काल वह समय होता है जब आप कोई कार्य करें तो आपका बिगड़ जाता है, तो कौन सा कल आने वाले अर्थात रविवार के दिन ऐसा समय रहने वाला है कि आप कोई भी शुभ कार्य उस समय ना करें, तो वो समय आपके स्क्रीन पर है, आप इसको नोट करिएगा। शाम 4:30 से 6 के मध्य यह समय है, इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य से बिल्कुल बचिएगा। जी हां। पूजा जुड़ी है गुवाहाटी से। पूजा जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। जी श्री राधे आशीर्वाद। अच्छा जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1988। समय? और समय है दोपहर के 3:05। और प्लेस? और प्लेस है गुवाहाटी। क्या सवाल है आपके? आचार्य जी, मैंने आपको पहले पूछा था कि मैं नौकरी के बारे में, तो आपने मुझे एक उपाय दिया था वो कच्चे दूध में तिल देकर डालने के लिए। आचार्य जी, मैं नेक्स्ट इसी महीने में मेरा बैंक का एग्जाम है, तो क्या मैं उसमें क्लियर कर पाऊंगी, या मुझे बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर मैं कुछ और करूँ, मुझे ये पूछना था आचार्य जी। बिल्कुल, देखिए तुला लग्न की यहाँ पत्रिका बनी है, और आपको बता दें चंद्रमा की महादशा और राहु की ही अंतरदशा, आपके चंद्रमा और केतु की युति भी आपके एकादश स्थान में है और राहु की ही अंतरदशा है। यहाँ पर आपको बता दें थोड़ा सा संशय रहेगा, थोड़ी सी स्थिति विस्मय रहेगी, चंद्रमा के ऊपर राहु का गोचर पूर्ण रूप से शुभ नहीं माना जाता, फिर भी एकादश भाव में राहु का गोचर थोड़ा सा आपको लाभ अवश्य दिलवा देगा। इसके निमित्त आप 6:30 से 7:30 रति तक का हो सके तो आप एक गोमेद धारण कर लीजिए और थोड़ा सा 7 तरीके का अनाज अपने सर से 7 बार उल्टा वार के किसी बहते पानी के अंदर प्रवाह कर दीजिएगा, करके देखिएगा, आनंदित होंगे, आपको जॉब की प्राप्ति अवश्य होगी। बिल्कुल। और बेंगलुरु से हमारे साथ मोनाली जुड़ी हैं जी, आपका भी स्वागत है शो में मोनाली।
मुनाली जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आचार्य जी बात हो रही है नौकरी को लेकर के, जानना ये भी चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा रंग अगर हम खास तौर पर इस्तेमाल जरूर करें जब भी साक्षात्कार के लिए जाएं, ताकि उसका हमारे जीवन पर और खास तौर पर जब हम इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो उसका एक पॉजिटिव जो है फर्क मिले, हमें फायदा मिले, ये जरूर। बिल्कुल ठीक प्रश्न है कंचन जी आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। मित्रों आपको बता दें, कुछ आप तड़कीले भड़कीले वस्त्र पहनकर बिल्कुल भी जो है इंटरव्यू के लिए ना जाएं। इससे एक तो आपकी इमेज जो है बहुत अच्छी, एक जो आपकी छवि जो है बहुत अच्छी नहीं बनेगी। सात्विक कपड़े पहन के जाइए, शुद्ध कपड़े पहन के जाइए, बिल्कुल साफ सुथरे आपके वस्त्र होने चाहिए। और आपको बता दें, हो सके तो हल्के रंग के वस्त्र आप पहनिए। और आपको बता दें, हल्का इलायची कलर हो गया, हल्का आसमानी कलर हो गया, सफेद कलर या गुलाबी कलर, पिंक कलर, या फिर आप पीले कलर के हल्के वस्त्र आप पहनकर जा सकते हैं। पूर्ण रूप से ये कलर जो है शुभ होते हैं। और आपको बता दें, आपके साक्षात्कार में ये जो हल्के रंग होते हैं ये काफी हद तक मददगार होते हैं। करके देखिएगा, आनंदित होंगे और आपको जॉब की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर से हम ऐसी प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल, फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आप सात समंदर पार जाना चाहते हैं, जी हाँ, आप विदेश जाना चाहते हैं चाहे पढ़ाई के मकसद से, या फिर वहां पर नौकरी करना चाहते हैं, अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं विदेश में, तो इन तमाम चीजों के लिए आपको कुछ खास प्रयोग अपनाने होंगे। क्या होंगे प्रयोग, ये हम आपको कल बताएंगे, ताकि आपके विदेश जाने का सपना साकार हो जाए। कल जानकारी के लिए आप जरूर जुड़िएगा। फिलहाल अभी आप देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालु का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल आज और कल। आज आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो रही है नौकरी को लेकर के, एक अच्छी नौकरी, आपकी पसंदीदा नौकरी जिसके लिए आप चाहते हैं कि जो आपको जल्दी से मिल जाए, ड्रीम प्रोजेक्ट अगर आप चाहते हैं आपके हाथ में लगे, तो इसके लिए आपको कुछ खास प्रयोग जरूर अपनाने हैं। प्रमोशन के लिए कारक ग्रह जो होते हैं वो तो आपने जान लिया कि क्यों आपके प्रमोशन में बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन आचार्य जी आगे जानना चाहेंगे ग्रहीय कारण क्या होते हैं। ऐसे कोई प्लैनेट्स हैं जो कि अपनी युति बना लें या फिर उनका उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं नौकरी में बाधा उत्पन्न कर रही होती है, ये जरूर जानना चाहेंगे। पर उससे पहले त्रिपुरा से हमारे साथ रतन जुड़े हैं जी, आपका स्वागत है। रतन जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। हेलो जी। हेलो हेलो जी बताएं। मैं त्रिपुरा से बोल रही हूँ। अच्छा बताएं, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 1999। और जी जन्म की तारीख पहले बताइए। जन्म की तारीख जून का इतना फोटो कोई भी 1990 जो तो कुछ। आपकी डेट क्या है बर्थ की? हेलो मैडम, 12 जून। अच्छा 12 जून 1998। ठीक 98। समय सुबह के 7:25। 7:25। और प्लेस? प्लेस अगर त्रिपुरा के धर्मनगर। ठीक है, क्या सवाल है आपके? मेरा बहन का मैंने एंट्रेंस देने के लिए रेडी हो रहा है अभी, डॉक्टरी लाइन पे कैसा रहेगा उसका करियर? जी 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 बिल्कुल बताते हैं। जन्मांक इस समय हमारे समक्ष जो है प्रस्तुत हो रहा है, आपको पूर्ण रूप से अवगत भी कराते हैं आपके जन्मांक से कि किस तरीके का जन्मांक है। मिथुन लग्न की यहाँ पत्रिका है, धनु राशि है, और आपको बता दें आपने डॉक्टरेट से रिलेटेड प्रश्न किया है। चंद्रमा की महादशा, राहु की अंतरदशा, भरसक प्रयास करना होगा, मेहनत बहुत कड़ी करनी होगी आपको बता दें, तो यहां पर लाभ अवश्य दिखेगा क्योंकि नीच का शनि शुक्र के साथ एकादश भाव में, यहां पर तीसरी दृष्टि शनि की जो है लगन पर होने से शरीर के अंदर थोड़ा सा आलस्य आ जाएगा। कार्य को जब भी करेंगे तो थोड़ा सा विलंब करके करेंगे कि आज हमें जो कार्य करना है वो कल करेंगे या परसों करेंगे, इस तरीके से ये बालक जो है कार्य करने लगेगा। तो आलस्य बिल्कुल त्यागना है, भगवान शिव शंकर की आराधना करनी है, ओम नमः शिवाय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र का नित्य रुद्राक्षी माला से एक माला जाप करना है, इसको दोहराते जाइएगा जब तक ये कार्य सिद्ध ना हो, भगवान शिव की शरण में अवश्य रहिएगा जी। और आइए हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्या ग्रहीय कारण होते हैं कि आपके दिन रात की मेहनत जो है विफल हो जाती है, आप मेहनत करते हैं लेकिन प्रमोशन का पात्र कोई और ही बन जाता है, आपको प्रमोशन नहीं मिल पाती है, ग्रहीय कारण क्या हो सकते हैं आचार्य जी? ठीक है कंचन जी, बहुत जगह ऐसा होता है कि मेहनत आप करते हैं प्रमोशन किसी और को मिल जाता है, तो कभी आप अपने जन्मांक को उठाकर भी देखिएगा, अपनी पत्रिका पर थोड़ा सा नजर डालिएगा। आपको बता दें प्रमोशन ना मिलने के और जो है यहाँ जॉब प्राप्ति ना हो पाए तो इसके लिए क्या ग्रहीय कारण हो जाते हैं। यदि आपका दशम भाव पाप कर्तरी योग में हो, हमेशा आपको अपने कार्य की, अपने जॉब की, अपनी प्रमोशन की जो है चिंता लगी रहेगी, अकारण ही आप चिंता करेंगे, होने वाला वहां कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है चिंता करते रहेंगे। दशमेश अस्त हो, ये दशम भाव का स्वामी सूर्य के द्वारा अस्त हो जाए तो भी आप अकारण ही चिंता करेंगे। शनि जो कि दशम भाव का कारक माना जाता है मेष राशि के अंदर अर्थात नीच की स्थिति में हो जाए तो भी आपको चिंता मिलती रहेगी शनिदेव की तरफ से, और साथ ही साथ आप प्रमोशन के लिए ललायित रहेंगे। सप्तम भाव में दशम से दशम अर्थात सप्तम भाव में यदि पापी ग्रहों का जो है जमावड़ा हो जाए, वहां पर युति हो जाए, तो भी आप मान के चलिएगा कि ऐसी चिंता आपके मन के अंदर लगी रहेगी। साथ ही साथ तीसरा और छठा जो कि कंपटीशन का भाव माना जाता है, पराक्रम का भाव माना जाता है, यदि वो पीड़ित हो जाए तो भी आपको कंपटीशन में सक्सेस नहीं मिल पाता और आप प्रमोशन नहीं प्राप्त कर पाते। मंगल जो कि एनर्जी का कारक है, और आपको बता दें कालपुरुष के भाव में लग्नेश होता है और अष्टमेश, अचानक जो आपको प्राप्ति हो कुछ और मंगल की स्थिति पत्रिका के अंदर दूषित हो तो अचानक आपको प्रमोशन बिल्कुल नहीं मिलता। तो आपको बता दें मित्रों घबराना नहीं है, शनिदेव की उपासना करनी है, और किस तरीके का आज महा उपाय हम आपको देने वाले हैं इसके लिए आपको एक पेपर पेन बिल्कुल तैयार रखना होगा, और साथ ही साथ आपका सीक्रेट नंबर आज बहुत खास है, आपके हर कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करेगा जी हाँ। गुली काल भी हम आपको आगे बताएंगे, बहुत ही अच्छा समय होता है गुली काल, और रविवार के दिन गुली काल कब आएगा थोड़ी देर में बताएंगे हम आपको, पर उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे शो के लकी कॉलर से, तो इन्हें अभी हम लगाएंगे कॉल और करेंगे बात। शो के लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जी, आपका स्वागत है शो में, अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। लकी कॉलर जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ मेरे को पहुंच रही है।
जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम रेखा मासो है। क्या नाम बताया आपने अपना? देखिए टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कीजिए, मुश्किल होगी ऐसे बात करने में। क्या नाम क्या है आपका? रेखा महतो। रेखा जी आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ। पश्चिम बंगाल से। आपको बधाई, आज की आप लकी कॉलर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। तो बताएं रेखा जी, आप किनके बारे में जानना चाहती हैं, उनकी जन्म की तारीख पहले बताइए। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ, आचार्य जी को प्रणाम करती हूँ। जी श्री राधे, प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 1980। ठीक है। समय? समय सुबह के 3 बजे। और स्थान? सिवान, बिहार। सिवान। क्या सवाल है आपके रेखा जी? मेरे हस्बैंड विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, वो कब तक जा पाएंगे? जी। दूसरी नंबर में वो उनके माँ बाप से बहुत झगड़ा तगड़ा चलती है, मैं मायके में रहती हूँ, भी मायके में रहते हैं। जी, जी, कब जी। तक वहाँ हम लोग सेटल हो पाएंगे? बिल्कुल। और मेरे बच्चे जो है, एक तबियत जरा छोटे का तबियत खराब रहता है, वो अच्छा हो पाएगा? ठीक जी जी, बिल्कुल बताते हैं। सिंह लगन की यहाँ पत्रिका बनी, 12वें घर के अंदर कर्क राशि के अंदर राहु, आपको बता दें अवश्य जाएंगे ये विदेश, लेकिन इस समय जो दशा है इनके अनुकूल नहीं चल रही। शनि की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, शनि इस पत्रिका के अंदर सस्तेश और सप्तमेश है। यहाँ पर एक चीज और आपको हम बता दें, अवगत करा दें, मंगल और बुध की युति, सूर्य और शनि का योग द्वितीय भाव के अंदर काफी हद तक जातक को पीड़ित कर देता है। अपने पितरों के निमित्त हर अमावस्या पर कुछ ना कुछ आप दान करिएगा। यदि आप ये दान लगातार करते रहेंगे तो आपके बालक जो घर के अंदर बीमार हो रहे थे बिल्कुल बीमार नहीं होंगे, उन्हें स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। हो सके तो अमावस्या के दिन ही घर का बना हुआ कुछ भोजन गरीब लोगों में, निर्धन लोगों में आप बांटिएगा, और एक दोने में कम से कम 2 पूड़ी रखिएगा, उस पर थोड़ा सा खीर रखिएगा, और हो सके तो कीकर के वृक्ष के नीचे आप इसे रख दीजिएगा। ऐसा एक नहीं कम से कम आपको 7 अमावस्या लगातार करना है। 5:15 से 6:30 तक का आप एक मूंगा धारण कराइए, कार्य भी जो विघ्न हो रहा था जिस कार्य के अंदर वो दूर हो जाएगा, और विदेश का जो सपना था इनका अवश्य पूरा होगा। बिल्कुल, तो शुभकामनाएं हैं रेखा जी आपको। और फिलहाल बढ़ेंगे आगे, अब हम बात करेंगे गुलिक काल के बारे में। गुलिक काल बहुत अच्छा समय होता है, और कल गुलिक काल कब आएगा आइए जानते हैं। मित्रों कल रविवार का दिन है और अपने गुलिक काल का समय आप नोट कर लीजिए, 3:30 से 4:30 के मध्य ये समय है, आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट करिए और जो भी आप कार्य करेंगे आपका कार्य बनेगा। बिल्कुल, और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल 2:00 हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और अगर आपकी अपने सीनियर्स या जूनियर्स से भी नहीं बन पा रही है तो क्या वजह है, कमी आप में है या ग्रहीय दृष्टिकोण से कुछ कमियां हैं, बहुत सारी अहम जानकारियां होंगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। बीएसएफ ने सुरक्षा बलों को सीमा पर चौकसी बरतने का दिया आदेश। कुलगांव में मुठभेड़ खत्म, आतंकी मौके से फरार। अमृतसर हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की बैठक शुरू। शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अमृतसर। कल पाक प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज होंगे सम्मेलन में शामिल। आतंकवाद पर हो सकती है बात। प्रधानमंत्री मोदी की आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विशाल रैली। आगरा गाजीपुर के बाद प्रधानमंत्री यूपी में ये दूसरी रैली। नोटबंदी पर संसद ना चलने देने पर विपक्ष को ले सकते हैं आड़े हाथ। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक शुरू। बैठक में पंजाब चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन। पूर्व सीएम अमरिंदर के अलावा बैठक में केंद्रीय कोर ग्रुप की टीम भी शामिल। भूमाता ब्रिगेड के सदस्यों के साथ तृप्ति देसाई हाजी अली के लिए रवाना। कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को मिली है अंदर जाने की इजाजत। बोली तृप्ति, महिलाओं की जीत। नोटबंदी के चलते मुंबई के पास हाईवे पर लगा भीषण जाम। कई घंटों से फंसी हैं गाड़ियां। देश भर के टोल टैक्स और पेट्रोल पंप पर अब नहीं चलेंगे पुराने 500 के नोट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल आज और कल। आज शनिवार है और शनि देव जो हैं, कहा जाता है कि अगर शनि आपकी कुंडली में उचके हैं या शनि देव की कृपा अगर आप पर हो गई तो नौकरी में कभी कोई जो है परेशानी बाधा नहीं उत्पन्न होती है। नौकरी भी आपको अच्छी मिलती है, नौकरी में तरक्की भी आपको जरूर मिलती है और आप अपनी उम्र के हिसाब से अच्छी ग्रोथ हासिल कर जाते हैं। नहीं तो कई बार तो ऐसे भी देखने को मिलता है आचार्य जी की कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कई कई साल तक एक ही डेजिग्नेशन पर होते हैं, एक ही कंपनी में काम कर रहे होते हैं, ना तो वो स्विच कर पाते हैं ना, यानी कि कहीं उनको अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाती है और प्रमोशन भी। और आचार्य जी होता ये भी है कि कई बार एक ही डेजिग्नेशन पर कई कई साल निकालने पड़ जाते हैं काफी हद तक, क्योंकि डेजिग्नेशन में हाइक नहीं मिलता तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। कारण क्या है ये आप जान रहे हैं लेकिन निवारण भी है, उपाय भी आपको दिए जाएंगे आगे। पर उससे पहले ओडिशा से तुषार जुड़े हैं। तुषार जी स्वागत है आपका।
तुषार जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्कार, ओडिशा से बोल रहा हूँ।